क्या तुम ही उन एलियंस के बॉस हो जिन्होंने हम पर हमला किया है? बहुत बढ़िया। हाँ? लड़ने से पहले क्यों ना हम अपने नाम जान लें? मैं एक पायरेट बैंड चलाता हूँ जिसको डार्क मैटर बोलते हैं। मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूँ और मेरा नाम है बोरोस। मैं मजकले हीरो हूँ, ओ मेरा मतलब मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूँ और मेरा नाम है साइतामा। साइतामा? देखो, मुझे नहीं पता यूनिवर्स के डिनोमिनेटर को अर्थ से क्या चाहिए, लेकिन तुमने सिटी की पूरी तरीके से बैंड बजा के रख दी। मुझे पृथ्वी से क्या चाहिए? एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी? क्या मतलब तुम्हारा? एक बार मैं ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा था, सारी चीजों को नष्ट कर रहा था जो मेरी नजर में आई। मैं बहुत शक्तिशाली था, ऐसा ब्रह्मांड में कोई नहीं था जो मुझे हरा सके। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ऊब चुका था, कुछ मजा ही नहीं था जिंदगी में। फिर एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि एक दूर ग्रह पर एक ऐसा जीव है जो मेरे लड़ाई के जुनून को पूरा कर सकता है और मुझे एक अच्छी और तगड़ी फाइट दे सकता है। ये बात 20 साल पुरानी है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितना समय और कितना फासला तय किया यहाँ आने के लिए? मेरे लोगों को लगा ये भविष्यवाणी सिर्फ एक चाल है मुझे लुभाने के लिए, पर अब मुझे लगता है कि वो सच है। तो आओ और मुझे बहुत तगड़ी और अच्छी फाइट दो साइतामा, क्योंकि उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम पागल हो क्या? अपनी बुरी लाइफ को मजेदार बनाने के लिए तुम ऐसे ही किसी प्लान पे हमला करने नहीं जा सकते। एक छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं सोचेगा। जो कवच मेरी अकल्पनीय और विनाशकारी शक्ति को दबा कर रखा था अब टूट चुका है। ठीक है, तुम भी काफी। क्या बात है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम वाकई में ताकतवर हो, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी जीवों से लड़ा उसमें से बस तुम इतनी देर तक टिके हो। अब मैं अपनी विनाशकारी ऊर्जा छोड़ूंगा जो मेरे अंदर है। अगर कोई मामूली जीव भी उसे टकराएगा तो उसकी हड्डियां तक गल जाती है।
पीछे देखो। तुम एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी हो, पर इस लड़ाई का निर्णय तय है। मेरी प्रजातियां वो खतरनाक वातावरण में जीना सीख चुकी है जो तुम लोग कभी नहीं सीख पाओगे। हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है जिसको कहते हैं रीजनरेशन, जिसमें हमारी चोट चुटकियों में पड़ जाती है। और मेरे पास एक ऐसी अल्टीमेट एबिलिटी है जिससे कोई भी जख्म जो तुम्हें इतना दर्द दे सकता है मेरे लिए चुटकियों में भर जाएगा अगर मैं अपनी सारी शक्ति उस चोट में लगाऊं। देखा, बिल्कुल नहीं जैसा। और अगर तुम अपने आप को देखो तो तुम लोग बस दर्द सह सकते हो। चुप करो। बकर 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 बकर, दिमाग खा गया मेरा। क्या हो गया तुम्हारा? अभी नहीं। शरीर से दूर की गई ऊर्जा एक फेंकने की शक्ति में बदल जाती है। तेजी और शक्ति को मास की सीमा से अलग एक स्तर तक बढ़ जाती है। इतना दबाव मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसका परिणाम वही होता है। ये मेरी जिंदगी को छोटा कर देता है। पर मुझे इसे खास दाव की तरह खेलना चाहिए जब मुझे लड़ाई जल्दी जीतनी हो। अरे वाह, ये तो हिल रहा है। क्या बात है टोनेडो, तुम्हारा जवाब नहीं। मैं पहुंच गया। ये इंसान चाहता है मैं अपनी सारी ताकत लगा दूं। ये हुई ना बात साइतामा, तुमसे लड़ना फालतू नहीं जा रहा है। कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस। मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। मेरे शरीर की सारी ऊर्जा लगाऊंगा इस हमले में जो तुम्हारे साथ साथ इस ग्रह को भी राख बना देगी। Blasting Star, Roaring Cannon! अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपना आखिरी दांव खेलूंगा। Serious punch. Hmm.
मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो तुम अब तक होश में हो? तुम वाकई ताकतवर हो सच में? भविष्यवाणी सच हुई, ये लड़ाई वाकई में बहुत मुश्किल थी। हाँ सच्ची में मुश्किल थी। झूठे, तुम लड़े नहीं रहे थे। मेरे पास कोई मौका ही नहीं था जीतने का या लड़ने का। अगर तुम शुरू से ही गंभीरता से लड़ते तो मैं शुरू में ही हार जाता। वैसे भी भविष्यवाणी क्या है, तुम बहुत से भी ज्यादा तक